इस सस्पेंस में। बढ़िया है सर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? तो गाइस आपके लेके आया हूँ मैं न्यू ई लोडर। आप लुक देते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। हमारे साथ आए हैं सर जो हमें बताएंगे इसके बारे में। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। आपका नाम? मेरा नाम सर मनीष कुमार तिवारी है। तो सर हमें बताइए इसमें फ्रंट में हमें क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको एक एक करके सारे फीचर बताता हूँ। ये सर आप स्टार्टिंग यहाँ से देखिए। ओके, ये सर अपना बाहुबली का स्टिकर है। ठीक है, ये बाहुबली है जी। ई लोडर जो इलेक्ट्रिकल लोडर है, ई लोडर ये बाहुबली का है सर। ठीक है, आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग देखिए, ये जो छत है सर इसकी, इस छत में कम से कम 2 या 4 बंदे खड़े होकर डांस भी कर लें तो छत ये सर बैंड नहीं होने वाली, इतनी मजबूत हैवी लोहा है ये। अच्छी क्वालिटी की छत बनी हुई है। बाकी सर मैं आपको यहाँ नीचे आता हूँ, ये ग्लास है सर। ये ग्लास ऐसा ग्लास है सर कि अगर इसमें ठोकड़ भी लग जाए ना, जैसे आपने कई ग्लास देखे होंगे कि जैसे टच हो जाते हैं तो वो बिखर जाते हैं रोड में, ये सर बिखरेगा नहीं सर, ये वो ग्लास है। अब देखिए सर इसकी मजबूती ग्लास की, देखिए ये इतना मजबूत ग्लास है। ये सर वाइफर है, मैं आपको वाइफर चालू करके दिखा देता हूँ सर। ये वाइफर है, बारिश वगैरह में आपको काम ये काम आएगा सर। ये देखिए ये सर वाइफर है। ये सर इसकी LED लाइट है। ये 43 सेंटीमीटर के सॉकर हैं। ये 12 इंच का टायर है। ठीक है, ये 12 इंच का टायर है सर। ये मडगार है सर, स्टील का मडगार है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग मडगार है। इसी तो लाइट्स वगैरह जला के दिखा दो। बिल्कुल सर, मैं आपको लाइट्स वगैरह जला के दिखा देता हूँ सर। ये देखिए ये सर इंडिकेटर है, एक लाइट है एक इंडिकेटर है। ये इनकी सेफ्टी है और स्ट्रॉन्ग बटरफ्लाई है। ये इतनी मजबूत बटरफ्लाई है कि हमने ड्राइवर की सेफ्टी, मेन चीज़ हमने ड्राइवर की सेफ्टी रखी है कि ड्राइवर सेफ होना चाहिए, तो हमने ड्राइवर की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने ये स्ट्रॉन्ग बटरफ्लाई दी है। बाकी आप देखेंगे सर डबल नेक का हैंडल है। ये आपको डबल नेक का हैंडल किसी भी नहीं मिलेगा, मतलब डबल नेक का हैंडल ये हो जाता है सर कि आप ड्राइव करें तो आपको कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। जब आप बैठें ड्राइव करें तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैं कैसे भी, आपके शोल्डर में भी दर्द ना हो, आपकी नेक में भी दर्द ना हो, इसलिए सर ये डबल नेक का हैंडल है। हाँ जी सर, ये देखिए ये डम ब्रेक है, ये डम ब्रेक है। और सर इसका जो मैंने आपको 43 इंच का सस्पेंशन बताया सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए सर ये सस्पेंशन बढ़िया है सर, क्वालिटी अच्छी है, मजबूती है हर तरीके से। हाँ जी सर, ये देखिए ये दोनों साइड देखने के लिए दोनों मिरर दिए हुए हैं और ये बैक साइड देखने के लिए मिरर दिए हुए हैं। और सर मैं आपको हैंडल बताता हूँ, हैंडल बहुत मजबूत है, कंफर्टेबल है क्योंकि ये डबल नेक का हैंडल है। आप कैसे भी करके कंफर्टेबल में इसको चला सकते हैं, मतलब आपके लिए बेटर ड्राइव भी रहेगी और अच्छा आपको बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मैं यहाँ से कंट्रोल बताऊँ, यहाँ पर क्या क्या कंट्रोल? बिल्कुल सर, यहाँ से आप ये लाइट्स ऑन कर सकते हैं, ये लाइट्स सर ऑन हो गई और यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर है सर राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। और सर ये हॉर्न है, आप हॉर्न दबा सकते हैं, इससे हॉर्न ऑन हो जाएगा। और ये सर ये यहाँ पे इस देखिए ये डम जो मैंने आपको डम ब्रेक बताया था, ये डम ब्रेक है और यहाँ से फेसिंग का है और रिवर्स का है। जब आप रिवर्स की बटन दबाएंगे तो ये गाड़ी पीछे रिवर्स को जाएगी, जब आप एफ को दबाएंगे तो फ्रंट साइड में जाएगी। और सर ये मीटर है, 30 तक की स्पीड होती है, इसमें किलोमीटर बताएंगे सर। और ये बैटरी का फीचर है, जो आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो पूरी ग्रीन लाइट होगी और आपकी बैटरी अगर डिस्चार्ज होगी तो ये लाइटें कम होती जाएंगी जी सर। और फिर सर मैं आपको चाबी के बारे में बताता हूँ। ये सर इसकी 2 चाबियाँ हैं और ये चाबी होती है सर सेंटर लॉक की। ये चाबी सेंटर लॉक की है, मैं आपको सेंटर लॉक भी करके दिखाता हूँ कैसे होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये सर ये देखिए ये सेंटर लॉक की चाबी है जिसमें की बनी हुई है, जो की ये इसमें जो इसमें ताला लगा हुआ है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सर अपनी गाड़ी सेंटर लॉक में हो गई। अब इसको कोई भी अगर छेड़खानी करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये आवाज़ आएगी, ये हॉर्न बजेगा कोई भी अगर सेंटर लॉक को छेड़ेगा तो। अगर कोई भी मतलब कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को खड़ा करके इधर उधर जाता है और आप सेंटर लॉक लगा के जाता है और किसी ने भी गाड़ी को उसके टच किया तो ये आवाज़ आएगी। और सर ऐसा भी इसमें एक फीचर होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने हैंड ब्रेक खोल दिया सर, गाड़ी को अगर आगे पीछे लेंगे तो ये हॉर्न करेगी और फिर इसका मोटर जाम हो जाएगा। ये देखिए सर, ये देखिए मैं आपको करके देगा, अब ये जाम हो जाएगी सर। ये देखिए और यहाँ से सर जहाँ पे ये ताला खुला हुआ है, ये ताला खुला हुआ का ऑप्शन लगा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी सेंटर लॉक से हट जाएगी। ये सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी मेन MCB होती है, इससे आप गाड़ी को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई दिक्कत लगे तो आप गाड़ी को ऑफ कर सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। कंट्रोलर को हमने यहाँ पे लकड़ी की सीट में रखा हुआ है, लोहे की सीट में नहीं रखा हुआ है, लकड़ी की सीट में रखा हुआ ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने लकड़ी की उसमें कंट्रोलर को रखा हुआ है सर। और यहाँ देखिए सर, इसका चार्जिंग पॉइंट
फ्रंट साइड में होता है और यहाँ ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ सिस्टम है, ये साउंड है, यहाँ से आप FM, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करके, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादातर गाने सुन के चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए ये सिस्टम हमने दिए हुए हैं सर। और ड्राइवर के लिए ये चीज़ हमने दी हुई है कि यहाँ पे वो कुछ भी अपने सामान भी रख सकते हैं, पैसा भी रख सकते हैं, कागज़ पत्र भी रख सकते हैं। ये डिज़ाइन दिया हुआ है, बेटर डिज़ाइन है, बैठ पकड़ने में भी काम आएगा और ढालने को भी मजबूती देता है ये सर। आइए मैं सर आपको पीछे ले चलता हूँ। ये अपनी 6x4 की बॉडी है सर, एक स्टेपनी भी दी हुई है, 6x4 की बॉडी, इसकी लंबाई 6 और चौड़ाई 6। तो सर इसमें हम क्या क्या लेके जाते हैं? सर इसमें नर्सरी के पेड़ पौधे भी ले जा सकते हैं, दूध भी रख सकते हैं, कुछ भी वगैरह आप जो भी मटेरियल यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। 5 क्विंटल की इसकी पासिंग होती है, कैपेसिटी 6 की होती है, मतलब 5 क्विंटल आप 5 क्विंटल की हम पासिंग बना के देते हैं, बाकी आप इसमें 6 क्विंटल तक आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई कुछ बैंड होना है। मजबूत इसकी चादर है, मजबूती हर एक चीज़ में है, पार्ट्स बहुत इसके मजबूत हैं। बाकी सर मैं आपको बैटरी के बारे में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर 4 बैटरियाँ 135 एम्पेयर की हैं, एक बार चार्ज करने पर 8 से 9 घंटे चार्जिंग टाइम लेती है बैटरी और 100 किलोमीटर की माइलेज देती है, ठीक है सर। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं सर, ये एंगल देख रहे हैं, एक ये एंगल है और ये एक एंगल है, बिल्कुल सीधे एंगल है सर, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। बाकी आप किसी भी रिक्शे में देखेंगे तो आपको जॉइंट मिलेंगे, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, देखिए। और सर ये जो नान्या कंपनी का मोटर है, 1500 वाट का मोटर है, 1500 वाट का मोटर है, अच्छी इसकी लाइफ है, ज़्यादा चलेगा। और कमानियाँ सर साथ हैं, दोनों साइड आप देख लीजिए, कमानियाँ साथ साथ दोनों में दी हुई है। और सर इसमें अगर आप चाहें तो 5 बैटरी का भी रख सकते हैं, पांचवी बैटरी सर यहाँ रखी जाती है, आप चाहें तो 5 बैटरी भी लगवा सकते हैं, 5वीं बैटरी का ऑप्शन ये होता है सर। सर हमें इसको कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों साइड से सर ओपन हो जाता है, आप यहाँ से चाहें तो देखिए यहाँ से ओपन हो जाता है, ये देखिए सर ये ढाला पूरा खुलता है सर, ये देखिए। और ये वहाँ से भी यहाँ से भी होता है? मैं आपको तीनों साइड से ढाले खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके एंड इधर से ये देखिए सर, तीनों साइड से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये कितनी स्ट्रांग चादर है नीचे की, ये देखिए सर ये ढाला कितना स्ट्रांग है, ये देखिए सर इसके नीचे की चादर कितनी मजबूती है, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्विंटल तक, 5 क्विंटल की वैसे भी हमारी पासिंग है, आप 6 क्विंटल तक आराम से इसमें रख सकते हैं। तो सर हमें पीछे की लाइट का सेटअप दिखा दो। सर आइए मैं आपको पीछे की लाइटें दिखाता हूँ, ये सर इंडिकेटर लाइट होती है, ये ऑन लाइट होती है, ये ब्रेक लाइट होती है सर। जब आपका हैंड ब्रेक वहाँ से लगा होगा तो ये ब्रेक की लाइट हो गई, और वो सर देखिए इंडिकेटर, बीच की स्टार्ट लाइट और ये ब्रेक लाइट, ठीक है सर। बड़ी अच्छी क्वालिटी की लाइटें लगाई हुई हैं, मजबूती सेफ्टी गार्ड भी इनके बहुत मजबूत हैं। तो सर हमें इसमें डाउन पेमेंट कितना पड़ेगा? सर इसमें डाउन पेमेंट कम से कम आपको 45 के आसपास करनी पड़ेगी सर, 45 के आसपास। जी ये 45 के आसपास आपको, 45 के आसपास ही आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी 1-20 का लोन हो जाता है सर। इसकी लोडर की प्राइस जो हमारा 6x4 का है, 1500 वाट की मोटर है, इसकी प्राइस सर 1,65,000 है, 1,65,000 है जी, 1,65,000 जी सर। और सर हमें बताइए कहाँ मिल सकता है हमें? बिल्कुल सर मैं आपको आइए एड्रेस पर दिखाता हूँ सर। ये सर हमारी गुरुवी मोटर्स की एजेंसी है, ये देखिए सर गुरुवी मोटर्स की एजेंसी है, ये हमारा ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, और ये यूपी गाजियाबाद का नेशनल ब्रांड है, बाहुबली कंपनी का लोडर है ये सर। और ये गूगल पे आप इसको सर्च करेंगे तो ये सर नंबर 1 के पद पर स्थापित है जी सर। ये बाकी लोडर है मार्केट में, ये उनसे खास क्यों है? सर खास इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग बटरफ्लाई है सर, डबल नेक का हैंडल है, 6x4 का ढाला है, कमानियाँ साथ हैं, 1500 वाट की मोटर है, बाकी सभी रिक्शों से हर इसमें एक्स्ट्रा हुआ है, कॉस्ट भी अच्छी हुई है, हैवी बनाया हुआ है, मजबूती बनाया, मेन चीज़ सर मजबूती है, मजबूती है। हम चाहे वो 2 रुपये हो चाहे 2 लाख रुपये, जब हम लगाते हैं तो हम ऐसी चीज़ लेते हैं कि हम वो चले आराम से, कम से कम 10 साल तो उसकी लाइफ हुई, इसलिए सर ये मजबूती में जैसा बाहुबली जिसका नाम है और ये रिक्शा भी बाहुबली ही है जी सर। तो गाइज आपको ई लोडर कैसा लगा मुझे कमेंट करिए जरूर बताइए। गाइज हमने फोन नंबर आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, एड्रेस भी दे चुके हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।